एक पीर साहब अपने एक मुरीद से बहुत मोहब्बत करते थे, तो और जो कुछ मुरीद थे उन लोगों ने सोचा भाई मुरीद तो हम लोग भी हैं, लेकिन हजरत इससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, हम लोगों से क्यों नहीं करते। ये बात पीर साहब को पता चल गई कि कुछ लोग इससे जल रहे हैं। तो पीर साहब ने वो चारों को बुलाया जो लोग इससे जलते थे, वो चारों को बुलाया, इसको भी बुलाया जिससे प्यार मोहब्बत ज्यादा करते थे, उसको भी बुलाए। हजरत ने देखा कि चार पांच मुर्गा रखे, एक छुड़ी रखी हुई है। हजरत ने कहा कि भाई देखो ऐसा करो, ये मुर्गा ज़िबह करना है, तुम लोग तैयार हो? कहा कि हजरत तैयार हैं, आप हुक्म तो दें। मुर्गा क्या, हम लोग तो ऊंट को ज़िबह कर देंगे। बोला अच्छा ठीक है, ये मुर्गा लो, एक आदमी को दिया, ये मुर्गा लो और जाओ ज़िबह करो। और देखो याद रहे एक शर्त है, इसको ज़िबह वहां करना है जहां कोई देखे नहीं। एक आदमी लिया मुर्गा लिया छुड़ी लिया, बोला हजरत तत्ती मोक जानो ही नहीं, हम कितना चालाक है, हमको कोई देखेगा बा मिनटों में काम कर देगा। बोला लेके जाओ। अब गया वो मुर्गा जबा करके लेके आया, तो हजरत ने कहा कोई देखा? बोला कैसे देखता, हम तो गए घर में, अब मेरा घर पूरा पैक है, दरवाजा में किल्ली मारे आ मारे चाकू जीभा करके लेके जाओ, कोई नहीं देखा। बोला बैठो। दूसरे मुरीद को दिया, जाओ ये मुर्गा लो ज़िबह करके ले आओ, और लेकिन शर्त वही है कि कोई देखे नहीं। बोला हजरत ये जो पहला वाला आया है ना, तो दरवाजे में घरे के अंदर में ज़िबह किया ना, हम ऐसी जगह ज़िबह करेंगे जहाँ क्या कोई चिड़िया पर नहीं मार सकती। बोला जाओ। गया गड्ढा था, वहीं गड्ढे में कूद गया जाकर, मारा छुरी ज़िबह करके लेके चले आया। बोला देखा कोई? बोला कोई नहीं देखा। तीसरे को भी दिया, वो भी ज़िबह करके आया। चौथे को दिया, वो भी ज़िबह करके लेके चले आया। अब जिससे पीर साहब मोहब्बत करते थे उनको दिया कि भाई ये मुर्गा लो, ये छुरी लो, और तुम्हारे लिए भी वही शर्त है, किस मुर्गे को ऐसी जगह ज़िबह करना जहाँ कोई ना देखे, जहाँ कोई ना देखे। वो मुर्गा लिया छुड़ी लिया और चल दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, ना मुर्गे का पता है ना ज़िबह करने वाले का पता है। और लोग कहने लगे पीर साहब से कि देख लें ऐसी इसी बुधवा से आप मोहब्बत करते हैं, एक नंबर का बुद्धू है। हम लोग को देखे पीर साहब गए ज़िबह किए लेके चले आए, इसको देखिए 1 घंटा होगी अभी तक पते नहीं। फिर साहब बोला अच्छा ठीक है, देखे कि थोड़ी देर के बाद मुर्गा लेके आ रहा है, ज़िबह नहीं किया, मुर्गा को ज़िबह नहीं किया, वो जिंदा मुर्गा लेके गया था, जिंदा मुर्गा लेके आ गया। तो अब उन लोगों ने कहा कि पीर साहब लीजिए देख लीजिए, इसी से आप मोहब्बत करते हैं। तो पीर साहब ने पूछा कि वे मियां क्या नहीं ज़िबह कर लो? तो उस मुरीद ने कहा कि हुजूर आपने एक शर्त लगाई थी, आपने एक शर्त रखी थी, इस मुर्गे को ऐसी जगह ज़िबह करना जहां कोई ना देखे, लेकिन हुजूर मेरी निगाह तो देख रही थी कि कोई इंसान नहीं है, दुनिया की कोई मखलूक नहीं है, लेकिन मेरा ईमान कह रहा था कि कोई देखे या ना देखे मेरा खुदा देख रहा है, इसलिए मैंने इस मुर्गे को ज़िबह नहीं किया। पीर साहब खड़े हुए और उस मुरीद को अपने सीने से लगाया और लोगों से कहा कि देखो यही वजह है कि मैं इससे ज़्यादा मोहब्बत कर रहा हूँ, यही वजह है। इसलिए मेरे नौजवानों गुनाह करते वक्त ये ख्याल करना कोई देखे या ना देखे मेरा अल्लाह देख रहा है। इन्नल्लाह अला कुल्ले शयइन कदीर, मेरा अल्लाह हर शे पे कादिर है, मेरा अल्लाह हर शे पे कादिर है, दुनिया की कोई मखलूक देखे या ना देखे लेकिन मेरा अल्लाह देख रहा है। तो इंशाल्लाह ये मोबाइल में छुप छुप कर जो क्या कहते हैं कि तुम गलत चीज़ें देखते हो, तो इंशाल्लाह तौबा करोगे। नौजवानों कितने लोग तैयार है तैयार तौबा करने के लिए? इंशाल्लाह हाथों को उठाओ, मैं दुआ करूंगा। इंशाल्लाह तौबा करोगे? 3 बोल लो अपने गुनाहों से। अल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम्हारा गुनाह से तुम्हारे गुनाह से ज़मीन भर गई है, तुम्हारा गुनाह अगर सितारों से ज़्यादा बड़ा क्यों ना हो, दरख्तों से पत्तों से बड़ा क्यों ना हो, समंदर के झाग के बराबर क्यों ना हो, अगर तुमने गुनाह से ज़मीन से लेकर आसमान तक अपने गुनाहों को लगा दिया है तो सिर्फ 3 बोल लो, अल्लाह सारे गुनाहों को माफ़ कर दे। इंशाल्लाह बोलेंगे 3 बोल भाई? बोलोगे? बोलो। अल्लाह मेरी तौबा,
अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, कि अब मैं तौबा करना चाहता हूँ, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? तो उस राहिब ने कहा शर्म करो, हया करो, 99 आदमी को मार के तौबा करने आया है, तेरी तौबा हरगिज कबूल नहीं होगी। बोला अच्छा नहीं है बे, बोला नहीं है बे, अच्छा नहीं है बे, निकाला तलवार, बोला जब तौबे कबूल नहीं होगी तो 99 कह रहेगा हम 100 कहन पूरा करेंगे। मारा राहिब के गर्दन में, उस गर्दन ने उड़ा दिया उसका। कितने हो गए भाई? 100 सेंचुरी पूरी हो गई। फिर कुछ महीने गुजरे, आखिर इंसान था, वो सोचा कि नहीं किसी आलिम से मैं मसाला पूछूंगा। कई दिनों के सफर करने के बाद एक आलिम के पास पहुंचा, सामने बैठा। उस आलिम के पास में आलिम ने नजर उठा के, निगाह उठा के देखी तो कहा भाई कहाँ से आया? बोला मैं फला जगह से आया हूँ, लंबी सफर करके आया हूँ, एक मसाला पूछनी है। बोला हाँ हाँ पूछो, क्या मसाला है? कहा कि हजरत मैं 100 आदमी को अब तक मार चुका हूँ। बोला अच्छा अब क्या इरादा है? बोला हजरत अब इरादा यही है कि मैं अपने गुनाहों से तौबा करना चाहता हूँ, क्या अल्लाह मेरी तौबा को कबूल करेगा? उस आलिम ने कहा हाँ हाँ तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है, अगर तू अपने गुनाहों से तौबा करेगा मेरा अल्लाह तेरी तौबा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेगा। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाल्लाह। वो शख्स बड़ा खुश हुआ कि मेरी तौबा कबूल हो जाएगी, लेकिन कुर्बान जाओ वो उस आलिम ने कहा कि लेकिन तेरी तौबा यहाँ कबूल नहीं होगी। वो जो बस्ती देख रहा है, कहा कि हाँ देख रहा हूँ, कहा कि उसी बस्ती में चला जा, दीन के दाई लोग रहते हैं, तबलीग वाले लोग रहते हैं, अल्लाह वाले लोग रहते हैं, मुत्तकी परहेजगार लोग रहते हैं, उनकी सोहबत में चला जा, उनकी सोहबत में रहकर तौबा कर ले, अल्लाह तेरी तौबा को कबूल कर ले। बड़ा खुश हुआ, जैसे उस बस्ती से निकला, उस बस्ती से जैसे निकला, आलिम से मिलकर जैसे निकला, कुछ कुछ कदम चला होगा, ठोकर लगी। उलमा फरमाते हैं कि मुंह के बल गिरा, मुंह के बल गिरा, उठना चाहा उठ ना पाया, जिसमें शुरू परवाज कर गई, उसकी मौत हो गई। सफर है लंबा, कोई साथी नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा, कोई बाराती नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा, कोई बाराती नहीं मिलता। जन्नत के फरिश्ते आ गए और जहन्नम के भी फरिश्ते आ गए। जहन्नम के फरिश्ते कहने लगे ये 100 आदमी का कातिल है, इसे मैं जहन्नम में लेकर जाऊंगा। जन्नत के फरिश्ते कहने लगे ये सही है, 100 आदमी को इन्होंने मारा है, लेकिन ये तौबा करने जा रहा था इसे, इसलिए मैं जन्नत में लेकर जाऊंगा। उलमा फरमाते हैं कि दोनों फरिश्ते जहन्नम और जन्नत के फरिश्ते में बहस होने लगी। वो कह रहा जन्नत में ले जाएंगे, वो कह रहे हैं कि जहन्नम में लेकर जाएंगे। अल्लाह ने तीसरे फरिश्ते को भेजा, तीसरे फरिश्ते को भेजा कि उन दोनों से कह दो आपस में बहस ना करें, ज़मीन को मापो, वो जिस बस्ती से निकला है उसका जिस्म अगर उस बस्ती से करीब है तो वो जहन्नम में जाएगा, और जो बस्ती तौबा करने जा रहा था अगर उसके जिस्म से वो बस्ती करीब है वो जन्नत में जाएगा। तो अभी तो वो बस्ती तो बहुत दूर थी जहाँ तौबा करने जा रहा था, वो तो बहुत दूर थी, अभी तो इस बस्ती से निकला ही था कि ठोकर लगी, इंतकाल कर गया। अब ये बात वो जन्नत में गया कि नहीं गया, वो जन्नत में गया कि नहीं गया, ये बात मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूँगा। दिल जमी के साथ, इत्मीनान और सुकून के साथ आप यहीं पर बैठे इंशाल्लाह। एक बादशाह ने सवाल किया भाई, एक बादशाह ने सवाल किया मजमे से, अवाम से, पब्लिक से सवाल किया कि भाई जो मेरे सवालों का जवाब देगा हम उसको इनाम देंगे, जो मेरे सवालों का सही जवाब नहीं देगा उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। बादशाह खड़ा हुआ, बादशाह खड़ा हुआ और पूछने लगा लोगों से, लोगों बताओ मेरे सवालों का जवाब देने के लिए कौन तैयार हो? लेकिन कोई तैयार नहीं, कोई खड़ा होने को तैयार नहीं। लोग आपस में बात करने लगे कि मियाँ ये बादशाहनी दिमाग से खोपड़ी छिट खोपड़ी से उल्टा पुल्टा सवाल करतो, सही जवाब नहीं दी वो जान से ख़त्म कर देतो, जिंदगी बचे जाबे दिल्ली खटे खा लूँ। कोई नहीं उठा, एक नौजवान उठा बोला कि हाँ बादशाह साहब आपके सवालों का जवाब हम देंगे, सवाल तो कीजिए आप। तो बादशाह ने कहा कि सोच लिया है तुमने? कहा कि मैंने सोच लिया, जो होगा देखा जाएगा, आप सवाल तो करें। तो बादशाह ने कहा कि मेरा पहला सवाल है कि मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं? भाई क्या सवाल किया बोलो?
मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? आदमी बड़ा चालाक था, आदमी बड़ा होशियार था, आदमी बड़ा चतुर नौजवान था। इन्होंने कहा कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आप बहुत सखी हैं, बहुत दयालु हैं, दान पुण्य सदका खैरात बहुत करते हैं, इसलिए देते देते सब बाल घिस गया। देता कुछ नहीं था बादशाह, तो अपनी तारीफ सुनकर बड़ा खुश हुआ। वजीर से बोला कि यहाँ की इनाम दे मियाँ, बहुत अच्छा आदमी है, जंगली इनाम दे। बादशाह ने कहा मेरा दूसरा सवाल, और मेरा दूसरा सवाल है कि ठीक है दान पुण्य सदका खैरात करते करते मेरी हथेली का बाल खत्म हो गया, घिस गया है, मेरा दूसरा सवाल है कि तेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? अब तो मी फंसे गए नूबी, मी की जवाब दूँ? तो बोला कि हजूर दरअसल बात यही है कि आप जो कुछ भी देते हैं हम ही को देते हैं, देता कुछ नहीं था, आप जो कुछ भी देते हैं हम ही को देते हैं, इसलिए आपका देते 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 घिस गया, अब मेरा लेते लेते घिस गया है। बोले वो बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा जवाब दिया, यहाँ इनाम दे, इनाम दे, इनाम दे, इनाम दे दिया। बादशाह ने कहा मेरा तीसरा सवाल है कि ठीक है मेरा देते देते घिस गया, तुम्हारा लेते लेते घिस गया, ये हजारों का जो मजमा है इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं है? बोले बाप रे बाप, तो खैरियत नहीं जी बोले भाई, इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं है? तो ये वो नौजवान ने कहा कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया, इन लोगों का अफसोस से हाथ मलते मलते घिस गया। अल्लाह हा हा, अच्छा ठीक छे, यहाँ के इनाम दे मियाँ, इनाम दे, इनाम दे। वजीर को बोला यहाँ के इनाम दे, वो इनाम दिया गया। अब बादशाह ने कहा भाई चौथा सवाल।